25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले हर कोई अपनी विधानसभा के समीकरण जानने को लेकर उत्सुक है। तो हम भी आपको सभी सीटों के वर्तमान समीकरण और वहां के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सीकर विधानसभा सीट की, आज बात करेंगे बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट के बारे में। बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट का गठन राजस्थान विधानसभा परिसमन 2008 के समय हुआ था। ये सीट बीकानेर के नगर निगम क्षेत्र से मिलकर बनी है, जो रेलवे लाइन के पूर्व शहरी भाग से मिलकर बनी हुई है, जिसमें तिलक नगर, रानीसर, रामपुर बस्ती जैसे क्षेत्र शामिल है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में यहां टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें बाजी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली सिद्दीक कुमारी के हाथ लगी और उन्होंने 7061 मतों के अंतर से ये चुनाव जीत लिया। सिद्दीक कुमारी को चुनाव में 73,174 वोट मिले तो कांग्रेस के कन्हैया लाल झांवर के खाते में 67,113 वोट आए। वही अगर इस महीने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको बता दें इस सीट पर लगभग 2,46,091 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करते हुए प्रत्याशी की हार जीत का फैसला तय करेंगे। इस सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने फिर से एक बार सिद्दीक कुमारी को मौका दिया है तो कांग्रेस ने यशपाल गहलोत पर अपना दाव खेला है। अगर बात करें यहाँ के जातिगत समीकरण की तो आपको बता दें बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट राजपूत बाहुल्य सीट है, लेकिन इस सीट पर ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, जो मैदान में उतरे प्रत्याशी की हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बता दें कुछ समय पहले बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट का अधिकांश इलाका कोलायत विधानसभा में आता था, लेकिन साल 2008 में हुए परिसमन के बाद से बीकानेर पश्चिम के कुछ भाग और कोलायत विधानसभा को मिलाकर नई बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट बनाई गई। द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।